हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम ऑफ क्लास सिक्स हनीशकल इंग्लिश एनसीईआरटी थर्ड पोएम द कैरल। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कैरल बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। जो भाई और बहन के बीच में लड़ाई होती है, कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है, कॉमन है, हर एक के घर में होती है भाई बहन में लड़ाई। और कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता है कि वो हमारी लड़ाई हुई किस बात पे, क्वरल मीन्स लड़ाई, झगड़ा मतलब। और वो ये भी नहीं पता होता कि कितनी देर चलती है और उसका एंड कैसे होगा। तो यही हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि एक बहन भाई के बीच में झगड़ा कैसे होता है। आई क्वरल्ड विद माई ब्रदर। एक दिन क्या हुआ, मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया। आई डोंट नो वॉट अबाउट, और ये नहीं पता कि किस बारे में हुआ, क्या बात थी। वन थिंग लीड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। एक बात मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, लेकिन पता कुछ नहीं था कि क्यों हो रही है। एंड समहाउ वी फेल आउट, और फिर क्या हुआ, हम दोनों झगड़ा अच्छे से करने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। जो लड़ाई स्टार्टिंग होती है वो तो बड़ी धीरे से होती है, बहुत छोटी सी बात पर होती है, बड़े हल्के से शुरू होती है, लेकिन जब उसका एंड होता है लड़ाई का तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है, बहुत बड़ी वाली लड़ाई बन चुकी होती है मतलब। ही सैड ही वॉज राइट और आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। वो क्या कहता है भाई कि वो बिल्कुल सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है कि उसकी गलती है। ही हेटेड वन अनदर। फिर इस झगड़े के बाद होता है क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे से हेट मतलब घृणा करने लगते हैं। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। अब क्या होता है, दोपहर का समय होता है, फिर दोपहर के बाद वो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। टर्न्ड ब्लैक मतलब रात में चेंज हो जाती है फिर दोपहर। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। तभी क्या होता है कि मेरा भाई आता है मेरी बैक मतलब कमर पे पीछे, थम्ड मतलब धीरे से पैट करता है, मतलब धीरे से हाथ मारता है और कहता है एंड सैड ओ कम अलोंग। वो इधर आना, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। अब क्या हम पूरी रात लड़ते रहेंगे, पूरी रात बोलेंगे नहीं। आई वॉज इन द रॉन्ग, हाँ मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट। और इसलिए वो मतलब ठीक हो जाता है और वो सॉरी बोल देता है, वो अपनी गलती फिर मान लेता है। ठीक है, तो इस पोएम में यही बताया गया है। इसके पोएट हैं एलिनोर फारजन। इसकी क्वेश्चन आंसर कोई खास नहीं है, मैं अलग से PDF दे रही हूँ, यू विल राइट इन योर नोटबुक एंड यू विल राइट द पोएम फुल पोएम इन योर फेयर नोटबुक ऑफ इंग्लिश हनीसकल। इफ़ यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, इफ़ यू कैन, इट्स नॉट मैडेंटरी। ओके, थैंक यू।